विश्वव्यापी कोरोना महामारी से जहां अब तक लाखों लोग मौत के काल में समा गए हैं, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते अब शिक्षा का अंदाज भी बदलने लगा है। इसी के चलते बैतूल जिले के चिचोली में करीब 15,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे दी जा रही है। वहीं अब छूटे हुए विद्यार्थियों के लिए 40 स्थानों पर मोहल्ला क्लास लगाकर रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए शिक्षा अधिकारी डीके शर्मा की मौजूदगी में रेडियो सेट का वितरण किया गया है। रेडियो के माध्यम से उन बच्चों को लाभ मिलेगा जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए अवकाश घोषित किया है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सर, ऐसा है कि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन माता पिता के पास ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना रेडियो है, तो ऐसे दूर दराज के बच्चों को ये ले जाके मोहल्ला क्लास लगाएंगे और उनको बताएंगे कि इस पे जो कार्यक्रम आता समय समय पे, उससे आप सीखिए। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जो हमको निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो बच्चे डिजिलैब कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं या जो बच्चे किसी भी साधन से नहीं जुड़ पाए, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल से जो शिक्षण चल रहा है, इससे नहीं जुड़ पाए थे, तो उन बच्चों को जोड़ने के लिए मोहल्ला क्लास योजना शुरू करी है, जिसमें रेडियो प्रसारण के माध्यम से उनको ये सुविधा मिलेगी। और जहाँ जिस मोहल्ले के बच्चे ऐसे चिन्हित करें किए हुए हैं हमारे पास में, जो बच्चे अभी तक किसी भी से इससे नहीं जुड़ पाए थे, उन लोगों के लिए उन बच्चों को चिन्हित करके उन बच्चों तक के रेडियो पहुंचाया जा रहा है, जिससे एक सेंटर पे 10 से 12 बच्चे कम से कम जुड़ पाए और हमारे पास जो आंकड़ा है वो हम उस आंकड़े को अचीव कर पाए। इसमें क्या है, मोहल्ला क्लास में जहां पे मतलब बच्चों के पालकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और टीवी वगैरह नहीं है, तो उसके लिए अब ये रेडियो सेट दिए जा रहे हैं जो मोहल्ला क्लास के रूप में चालू हुआ है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ये कहाँ कहाँ चालू होंगे? ये फिलहाल में अभी बोरी गांव है, इसके बाद संकुल में और अटारी गांव है, कन्या संकुल के दो गांव लिए हैं और एक्सीलेंस संकुल से दो गांव लिए हैं। इसके बाद फिर और भी जो FM वाले छोटे छोटे सेट हैं वो भी बाकी गाँव में और वितरित किए गए हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।